उदयपुर से इस समय की बड़ी खबर। मुंबई क्राइम ब्रांच के एफटीआई ज्ञानेश्वर जगताप और हेड कांस्टेबल प्रशांत पाटिल को उदयपुर एसीबी ने किया ट्रैप। दोनों को 4,57,000 की रिश्वत राशि लेते किया ट्रैप। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में आरोपी को करने आए थे गिरफ्तार। दोनों पर आरोपी को पैसे लेकर छोड़ने के लगे आरोप। उदयपुर एसीबी की हिरासत में है मुंबई क्राइम ब्रांच के दोनों पुलिसकर्मी। देखिए, आज उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट को गोपनीय सूचना मिली थी कि मुंबई की क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी एक टीम आई हुई है और यहाँ उदयपुर का कोई व्यक्ति उनका वांटेड है जिसको उन्होंने डिटेन किया है और डिटेंशन में उससे पैसे मांगे। सूचना थी 10 लाख रुपए की डिमांड की है और उसको लेके जा रहे हैं और पैसे भी साथ उन्होंने ले लिए। गाड़ी नंबर की भी जानकारी हमें थी। हमने सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोका हमारी टीम ने और कार्रवाई उनसे पूछताछ की, उनको चेकिंग की, तो 4,97,000 रुपये उनके पास से हमको मिले। जिस व्यक्ति को डिटेन करके लेके जा रहे थे वो भी था, उससे भी पूछताछ हुई है तो उसने भी बताया कि इन्होंने मुझसे डिटेंशन में पैसे मांग किए, मेरे से 10 लाख रुपये मांगे। जितनी अभी मैं जितना अरेंज कर पाया वो 4,97,000 थे, वो इनको दिए। उसके बावजूद ये उसको लेके जा रहे थे और इस दौरान ही हमारी एसीबी की टीम ने उनको डिटेन किया है। हमारी कार्रवाई अभी जारी। इस व्यक्ति का जिसको ये डिटेन करके लेके जा रहे थे उसका मुंबई की क्राइम ब्रांच में एक मुकदमा दर्ज है 420 IPC के तहत, उसमें ये वांटेड था और ये उसको लेके जा रहे थे।